और अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई शुरू हो गई है और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब हफ्ते में पांचों दिन सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना सुनवाई करेगी। अमूमन संविधान पीठ हफ्ते में तीन दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुनवाई करती थी, लेकिन अयोध्या मामले में संविधान पीठ अब हफ्ते में पांच दिन सुनवाई करेगी। इससे पहले अयोध्या विवाद पर संविधान पीठ ने लगातार तीसरे दिन सुनवाई की। गुरुवार को रामलला विराजमान हैं पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। वकील परासरन ने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी संस्कृत के श्लोक का हवाला देते हुए यह कहा कि जन्मभूमि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, सबसे महत्वपूर्ण। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जा रही है इसकी संवैधानिक पीठ, जो कि नियमतः हफ्ते में तीन दिन ही बैठती है अयोध्या विवाद को लेकर। अब ये बेंच हफ्ते में पांच दिन लगातार सुनवाई करेगी और जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर फैसला आने की संभावना अब बढ़ गई है। और रामलला विराजमान हैं कि पक्ष ने अपनी दलीलों को कल रखा था और आज एक बार फिर सुनवाई शुरू हो गई है और इस सुनवाई में क्या विषय सामने आते हैं ये भी देखना अहम रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि अब हफ्ते में पांच दिन इसकी सुनवाई होगी और इस सुनवाई के दौरान जल्द ही अब उम्मीद है कि इस पर फैसला भी आ जाएगा। दरअसल रामलला विराजमान है पक्ष ने गुरुवार को कोर्ट में अपने पक्ष रखे। इसके अलावा निर्मोही अखाड़ा द्वारा जो पक्ष रखे जा रहे हैं या जो दलीलें दी जा रही हैं, कोर्ट ने उनके लिए उन्हें सबूत पेश करने का आदेश दिया है। और बात करेंगे जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है? सुनवाई शुरू हो चुकी है और सुनवाई शुरू होते ही जो सुन्नी बोर्ड मुस्लिम पक्षकारों के जो वकील हैं राजीव धवन, उन्होंने एक बात कही कि पांच दिन उनके लिए कोर्ट में इस मामले को लेकर के पेश होना कहीं सीधे तौर पर मुश्किल है। और दूसरी बात, एक और चीज उन्होंने कहा कि जो मैं आपको एक चीज बता दूं कि 38,716 पन्ने का पूरा ट्रांसक्रिप्ट है और उसमें हिंदी, अंग्रेजी, उसके अलावा उर्दू, उसके अलावा पश्तून, कई लैंग्वेजेस में लिखा गया है और जिनको लेकर के बात ये कह रहे हैं कि इनका ट्रांसक्रिप्ट करना जो है काफी मुश्किल हो गया है और काफी मुश्किल है, जिसकी वजह से वो समय की मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पांच दिन उनके लिए कहीं सीधे तौर पे जो मुस्लिम पक्षकारों के वकील हैं राजीव धवन के, पांच दिन उनको पेश होना और पूरी ट्रांसक्रिप्ट बिना हुए इस दलील में शामिल होना कहीं उनके लिए मुश्किल है। इसलिए उन्होंने कहीं सीधे तौर पर कोर्ट से मांग की है कि इसका जो सुनवाई है उसके लिए पहले जो ट्रांसक्रिप्ट है वो पूरी हो जाने दिया जाए, तभी जाकर के कहीं तौर पर सुनवाई की शुरू की जाए। जी बिल्कुल। और चूंकि अयोध्या विवाद को लेकर पांचों दिन अब कोर्ट सुनवाई करेगा, राहुल अब ये पांच दिन सुनवाई होगी तो इससे जल्दी फैसला आने की उम्मीद है और पांच दिन सुनवाई करने का जो आधार रखा गया उसका क्या कुछ इसके पीछे वजह बताई जा रही है? नहीं देखिए, सीधे तौर पे यदि कहा जाए तो चीफ जस्टिस का कार्यकाल 17 नवंबर को यहाँ पे खत्म हो रहा है और 17 नवंबर को जब कार्यकाल खत्म हो रहा है तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की यदि बात किया जाए तो उनको टाइम बाउंड डिलीवरी देने की उनकी हमेशा से ही एक कोशिश रही है और यही कारण है कि इस बार बिल्कुल। और अब अपने राहुल, मैं आपको भी रोकना चाहूंगा क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अयोध्या की सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष की दलील आई है। दरअसल पांचों दिन कोर्ट के सामने उपस्थित होना संभव नहीं है और अयोध्या विवाद की सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष ने ये दलील दी है और ये उन्होंने असमर्थता जताई है कि पांचों दिन कोर्ट के सामने उपस्थित होना ये मुमकिन नहीं है। और राहुल, जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है, चूंकि पांच दिन अब संविधान पीठ जो कि तीन दिन बैठती थी अब वो पांच दिन सुनवाई करेगी और पक्षकार कह रहे हैं कि हम उपस्थित नहीं हो सकते। मैं वही बता रहा था आपको कि पांच दिन की सुनवाई के लिए मुस्लिम पक्षकार जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उनकी तरफ से ये सीधे तौर पे कहा गया कि वो पांच दिन कहीं सीधे तौर पे उपस्थित नहीं हो सकते हैं और साथ में जो ट्रांसक्रिप्ट है इस ट्रांसक्रिप्ट की वजह से जो ट्रांसक्रिप्ट नहीं हुआ है उसकी वजह से कहीं सीधे तौर पे उनको प्रॉब्लम हो रही है और इसीलिए उन्होंने इस जो पांच दिन की कार्रवाई है उस पर कहीं सीधे तौर पे आपत्ति जताई है। देखना होगा कि कोर्ट इसको किस तरीके से संज्ञान में लेता है। बिल्कुल। और चूंकि जिस तरह से निर्मोही अखाड़ा की तरफ से भी ये बात कही गई थी और दावा जो पेश किया जा रहा था, उन्होंने कोर्ट की तरफ से ये कहा है कि कोर्ट ने कहा कि सबूत पेश किए जाएं इस बात के, तो इस बारे में भी क्या आज निर्मोही अखाड़ा भी कोई अपना पक्ष रख सकता है? देखिए, सबूत पेश करने के लिए कोर्ट ने कहा है, कोर्ट की तरफ से जरूर कहा गया है कि जो मालिकाना हक की आप बात कर रहे हैं
उसके पूरे के पूरे दस्तावेज आप लेकर के आए, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी यदि जमीन होती है उसका खतरा खतौनी होता है, और खतरा खतौनी का एक पेपर कहीं सीधे तौर पे जो इसकी नाम पे जमीन रहती है उसके पास और एक दूसरा रजिस्ट्रार के पास रहता है और लेखपाल के पास रहता है, तो उसके पास से सीधे तौर पे कहीं ना कहीं इस यदि जो दावे किए जा रहे हैं निर्मोही अखाड़े की तरफ से वहां से वो अपने ट्रांसक्रिप्ट वो पूरे के पूरे दस्तावेज निकाल करके पेश कर सकता है। देखना होगा कि क्या ये दस्तावेज पेश कर पाएंगे, करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहीं सीधे तौर पे इनसे उसके पूरे के पूरे दस्तावेज जरूर। ठीक है राहुल, नजर बनाए रखें आप इस पूरे मामले में, और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि दलीलें सुन ली हैं, विचार करके जवाब देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से। ये पूरा मामला जस्टिस की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, और पांचों दिन कोर्ट के सामने उपस्थित होने में असमर्थता जताई जा रही है मुस्लिम पक्षकार की तरफ से। दस्तावेज उर्दू से अंग्रेजी करने में वक्त लगेगा, दलीलें सुन ली गई हैं, विचार करके इस पर जवाब देंगे। सीजीआई ने इस बात का को लेकर टिप्पणी की, और अयोध्या विवाद की सुनवाई को लेकर मुस्लिम पक्षकार की तरफ से पांचों दिन उपस्थित होने में असमर्थता जताई जा रही है।